Hello, Assalamu Alaikum. I am Dr. Rahil Mahi. Today I am here to present my assignment as a presentation. My presentation is blood pressure, which is given by Sir Ila Baksh Kachewal as an assignment. Today I am going to brief this blood pressure and give some demonstration of what is blood pressure and how can we measure it. After that, we will perform it as a practical before I am giving some demonstration. What is blood pressure? ये ब्लड प्रेशर जो होता है, ये ब्लड प्रेशर हमारा जो आर्टरीज होता है उस पर ब्लड का जो प्रेशर होता है उसके वाल्स पे, उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। जब हमारा जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो हमारे ब्लड को पुश करता है, और जैसे ही वो ब्लड पुश होता है तो उसकी वजह से प्रेशर एग्जर्ट होता है हमारे आर्टरीज पे, तो उसे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है तो उस प्रेशर को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। व्हेन आवर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, इट पुशेस द ब्लड ऑन द aorta एंड प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय द ब्लड ऑन द aorta, दैट इज ब्लड प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारे ब्लड को पुश करता है, और पुश करने की वजह से जो ब्लड की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है तो वो प्रेशर आर्टरीज पे पड़ता है, तो उस ब्लड प्रेशर को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका जो रेंज होता है मैक्सिमम 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब हमारे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर व्हेन वेंट्रिकल इज एट रेस्ट। जब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पैदा होता है। जब ये डायलेट होता है, डायलेट मीन्स व्हेन इट्स रिलैक्स इन रिलैक्स स्टेट, हमारा जो प्रेशर बनता है वो डायस्टोलिक प्रेशर बनता है, जिसकी रेंज होती है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। पल्स ब्लड प्रेशर, पल्स ब्लड प्रेशर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज नोन एज पल्स ब्लड प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग, अब जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, मीन्स जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, वो क्या होती है। सबसे पहले एज, एज इज जो बड़ा ही अफेक्ट करता है हमारे ब्लड प्रेशर को। जो बड़े एज वाले होते हैं मैक्सिमम अबव द 40, हमारे जो आर्टरीज होते हैं वो थोड़ा नैरोइंग हो जाते हैं, इसलिए जो ब्लड प्रेशर जो बुढ़ापन में होती है वो ज़्यादा ब्लड प्रेशर होती है। उसके बाद एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। स्ट्रेस और स्टिमुलेशन, अगर हमारा एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है या कोई कंडीशन होती है उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इफेक्ट करता है ब्लड प्रेशर को, जैसे कि हमारा जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, टेम्परेचर हाई होता है तो हमारा जो वेंट्रिकल होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, तो इसलिए जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, इसीलिए इसे वाजो डायलेशन डायलेशन भी कहते हैं, तो इसीलिए ये ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होता है, ये भी इफेक्ट करता है। सेक्स मीन्स जो मेल और फीमेल में ब्लड प्रेशर है वो भी थोड़ा डिफरेंस है, फीमेल में जो ब्लड प्रेशर है थोड़ा लो होता है और मेल में थोड़ा ज़्यादा रहता है। मेडिकल कंडीशन, कंडीशन अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट, जो मेडिकल कंडीशन में जो कार्डियक का आउटपुट होता है, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड विस्कोसिटी होता है, वो भी ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। हाई ब्लड प्रेशर आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर, जो हमारे नॉर्मल रेंज 120 से ज़्यादा हो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर मीन्स हमारे जो नॉर्मल रेंज होता है 80 मिलीमीटर मर्करी, उससे नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर होता है उसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सिम्टम्स लाइक ब्लड, विजन, एनीमिया एंड पेन स्किन, रैपिड शैलो ब्रीथिंग, फटीग एंड डिप्रेशन, ये हमारे सिम्टम्स होते हैं। हेल्दी एंड अनहेल्दी, जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है लेस देन 120 एंड लेस देन 80, एंड इवेट जो ब्लड प्रेशर होता है 120-129 एंड लेस देन 80, एंड हाई ब्लड प्रेशर 130-139 और 80-89, हाई ब्लड प्रेशर 140 और हायर और 90 और हायर, एंड हाइपरटेंशन प्रेशर हायर देन 180। और प्रैक्टिकली परफॉर्म दिस आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन विद रिपोर्ट ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क ऑन ब्लड प्रेशर। वी आर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर बाय स्पिरोमीटर, ब्लड प्रेशर आर नॉट टेक, ये जो ब्लड प्रेशर होता है हमारे पास जो बचा होता है इसको साइज भी वैसे मानते हैं। ब्लड प्रेशर हैविंग शुड बी क्वेश्चन राइट, जो ब्लड प्रेशर
राइट साइड पे थोड़ा घुमाते हैं, जैसे की जाती है, जिससे अच्छा से रीडिंग जो हमारा क्या क्या होता है रीडिंग चेक करते हैं। जैसे कि आप सबको मैं बताना चाहूँ कि प्रोफेसर कचिवाल ने हमको समय में दिए ब्लड प्रेशर चेक करने का प्रैक्टिकल हम अभी जो है ना प्रेजेंट करेंगे। ये हमारा ब्लड प्रेशर मीटर चेक करने के ब्लड प्रेशर चेक करने के हमारा मीटर है। इसमें होता है ये हमारा होता है ब्लड प्रेशर कप, जिसको हम राइट आर्म की अपर आर्म में रेप कर देंगे। कैसे अंदर लगा के इसको इसके बाद ये हमारा मीटर है यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप का होता है। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इधर ऊपर ऊपर जो होता है एमएम मर्करी का सिस्टोलिक प्रेशर होगा, फिर बाद में डायस्टोलिक प्रेशर होगा, आखिर में जो है पल्स रेट है हमारी बताएगा। हम जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे जैसे हम इसको स्टार्ट किया तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ता हो यानी कि इंक्रीज होना शुरू हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेंज बढ़ती जा रही है।